साक्षात जिसने पूरे घर को रोशनी से भर दिया। कैसे पर फ्यूज निकला हुआ था, मैंने अभी लगाया। अरे इनकी शादी नहीं हुई थी, और जब ये पति पत्नी ही नहीं है तो इनके हाथों लक्ष्मी पूजन मैं नहीं करवा सकता, मैं अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ सकता। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शौकन ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां एक तरफ घर में आते हैं पंडित जी और जैसे ही पूजा शुरू होती है वैसे ही लाइट कट जाती है। तभी लक्ष्मी हाथ में दिया लेकर आती है, जिसे देखकर पंडित जी कहते हैं कि यह आपके घर की साक्षात लक्ष्मी है। वही कुसुम भी पंडित जी की बात से सहमत होती है और कहती है कि यही हमारे घर की लक्ष्मी है। तभी आदित्य के पिता आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं किसी ने पावर कट कर दिया था, ठीक करके आ रहा हूँ। कैसे पर फ्यूज निकला हुआ था, मैंने अभी लगाया। पंडित जी क्षमा कीजिए, देरी हो गई, आप पूजा शुरू। यहाँ लक्ष्मी पूजा की तैयारी होती रहती है कि तभी पंडित जी की नज़र सौम्या पर पड़ती है, जिसे देखकर सौम्या घबराकर अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करती है। लेकिन जब आदित्य और सौम्या के साथ बैठकर पूजा की बात होती है तब पंडित जी उन्हें मना करते हैं, ये कहते हुए कि इनकी शादी अधूरी थी, मैं इन्हें जानता था, इनकी शादी के सारे फेरे पूरे नहीं हुए थे। अरे इनकी शादी नहीं हुई थी, और जब ये पति पत्नी ही नहीं है तो इनके हाथों लक्ष्मी पूजन मैं नहीं करवा सकता, और ये अधर्म मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी परंपराओं को नहीं तोड़ सकता। बाकी जैसे आपको लक्ष्मी पूजन करवानी हो करवाइए, मुझे आज्ञा। पंडित जी दोनों को पूजा पर बैठने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि मैं यह अधर्म नहीं करूंगा, आप किसी और से पूजा करवाइए। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। वहीं कुसुम आदित्य को खरी खोटी सुनाती है, जिसके बाद कुसुम एक फैसला लेती है और मंगल से कहती है कि वह पूजा पर बैठे, वो भी अकेले। ये सुनकर मंगल भी इमोशनल होती है। पूजा का मुहूर्त बीता जा रहा है और अभी तक घर में पूजा शुरू नहीं हुई। मंगल पूजा करने बैठे। मंगल हमने ये नहीं कहा कि आदित्य के साथ पूजा में, वेल अब इस ट्विस्ट के बाद सीरियल में कहानी में आगे कौन सा नया मोड़ आएगा ये देखना दिलचस्प होगा।